उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास चलाने पर बधाई दी। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि इस कोरोना महामारी में सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है और हमारी कोशिश है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास के जरिए इस कोरोना महामारी में घर पर रहकर ही पढ़ें। और ऑनलाइन क्लास के लिए अपने शिक्षकों को बधाई देता हूं कि ऑनलाइन क्लास से इतने ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन बच्चों की सुविधा के लिए दूरदर्शन पर 1.5 घंटे का ऑनलाइन क्लास चलाया गया। और जो अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया है कि वह 1-1 महीने की फ़ीस ले। कोई भी निजी स्कूल किसी भी अभिभावक के ऊपर फीस के लिए दबाव नहीं बना सकता है और केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी स्कूल 30 जुलाई तक बंद रहेंगे। आगे जैसा भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का निर्देश आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा, क्षेत्र में जहाँ मजदूर किसान गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कभी किसी ने सपने में भी सोचा था क्या कि वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे? हमने कभी दावा नहीं किया कि 100% बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ पाए हैं, लेकिन हमने एक कोशिश की बच्चों को उस महामारी की जो विषम परिस्थिति थी बच्चों को उस मानसिकता से बाहर निकालने की, उनके ऊपर उस महामारी का साया और डर और वो भयावह माहौल उनके मन मस्तिष्क पर न रहे और 1 अप्रैल से जो उनका स्कूल नहीं खुल पाया उसकी भरपाई हो। इसलिए मैं बधाई देता हूँ अपने टीचर्स को कि उन्होंने कोशिश की, एक दूसरे को समझाया और बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी उनके लिए हमने 1.5 घंटे का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर क्लास चलाया है। हम रेडियो के चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा और सराहना करनी चाहिए। नहीं नहीं शिक्षक देखिए कोई नहीं, जो टैबलेट वाली बात थी टैबलेट वाला, अब ये सवाल शिक्षकों से आप करें तो बेहतर होगा, लेकिन आप चाहें तो इसकी ताकीद कर सकते हैं। गांव-गांव में जा करके हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। कहीं कोई शैक्षिक सत्र शून्य होने की ऐसी कोई आशंका संभावना कहीं? इस बारे में जो भी निर्णय होगा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार निर्णय होगा। अभी जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 30 जुलाई तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, आगे जैसा केंद्र सरकार का और उसके आलोक में प्रदेश सरकार का निर्देश होगा उस आधार पर हम लोग तय करेंगे। तब तक हम अपनी तैयारियां हमारी पूरी हो रही है। ऑपरेशन कायाकल्प का अभियान तेजी से चल रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद आप देख रहे होंगे कि सरकारी निःशुल्क पुस्तकें हम अभिभावकों के माध्यम से बच्चों के घर तक पहुँचा रहे हैं ताकि खाली समय में उनकी पढ़ाई का नुकसान कम हो, नए सत्र की पढ़ाई भी करें और जो 24 मार्च से लेकर 30 जून तक उनको मिड डे मील का जो भोजन उनके हिस्से में आता उसका राशन प्रति बच्चे के हिसाब से जो पड़ता है और उसका कन्वर्जन कास्ट उनके बैंक खातों के माध्यम से उनके घर तक भेज रहे हैं। हमारे शिक्षक इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जैसा केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का निर्देश होगा उसके बाद स्कूल खोलेंगे। देखिए लॉकडाउन के समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। ये कहा था कि चूंकि बसें नहीं चल रही इसलिए परिवहन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। 3-3 महीने के जो निजी विद्यालयों में पैटर्न था फीस लेने का, उसमें ये कहा था कि आप 3 महीनों की इकट्ठा फीस नहीं लेंगे, आप एक महीने की फीस देने की सुविधा प्रदान करेंगे और जो अभिभावक इस बीच शुल्क जमा करने में अक्षम है कोई भी निजी स्कूल उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। अगर कोई अभिभावक इस तरह की कोई शिकायत करेगा सक्षम अधिकारियों के सामने तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन कई बार जो फीस माफी की बातें आती हैं दूसरे पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश की योगी सरकार, इतने बड़े संकट में लोगों को समय से वेतन मिला है। पहले अगर महीने की 7 तारीख को किसी को वेतन मिलता रहा होगा तो इस संकट में 1 तारीख को वेतन मिला है। सभी सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन मिला है और सरकार की अपेक्षा रही है सभी निजी जो भी ऐसे प्रतिष्ठान थे कि वो अपने कर्मचारियों को अपने शिक्षकों को भी वेतन देते रहें, लोगों को नौकरी से ना निकालें। अब अगर फीस माफ़ कर दिया गया होता इस पूरे अवधि का तो फिर बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी फिर बेरोजगार होते, उनके वेतन की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए सरकार को हमेशा दोनों पक्षों में संतुलन बैठाकर काम करना पड़ता है। और स्कूलों में एडमिशन 1 साल के लिए होता है, ऐसे नहीं होता है कि 1 महीना बंद हो गया तो फिर फीस नहीं लेंगे, फिर अगले महीने स्कूल चलेगा तो फीस, कभी भी स्कूलों की फीस का पैटर्न ऐसा नहीं होता है। लेकिन मंत्री, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उनको सैलरी तो मिली नहीं है, किसी को 30% किसी को 25% मिली, काफ़ी
सरकार पे लोगों को उम्मीदें थी कि फीस माफ होगी। देखिए फिर सर, फिर 159,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में हमारे हैं और 6 लाख से अधिक निजी स्कूल हैं। जिस तरह के बातें अभी की जा रही हैं, अगर इस तरह से किया गया तो सारे निजी स्कूल बंद हो जाएंगे, और निजी स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी कि अब अगस्त से फिर पढ़ाई शुरू हो जाए तो बंद हुई व्यवस्था को फिर अचानक से शुरू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की मांगें बहुत व्यवहारिक नहीं है। सरकार ने सब तरह की सुविधाओं के लिए पहले ही कह दिया है, मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई प्रबंध तंत्र अगर जो लोग असमर्थ हैं शुल्क जमा करने में उनसे जबरदस्ती शुल्क लेने की कोशिश कर रहा है, अगर उनको मौका नहीं दे रहा है बाद में जमा करने का, तो शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे पास भी टेलीफोन आते हैं, कई ऐसे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी में हैं, जिनके वेतन समय से मिल रहे हैं, वो भी हमसे कहते हैं कि फीस माफ़ कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग उचित नहीं है। जो अक्षम है उसकी मदद सरकार कर रही है। पहली बार प्रदेश में पिछले सपा बसपा की सरकारों के समय में बड़ी संख्या में जो फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की शिकायतें मिलती रहती थीं, योगी सरकार आने के बाद 4,000 से अधिक शिक्षक संदेह के घेरे में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT और STF की जांच का आदेश दिया था। उस जांच के आधार पर हम 1,500 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर चुके थे। बाकी लोगों पर भी कार्रवाई चल रही थी कानूनी तरीके से, लेकिन इसी बीच कस्तूरबा गांधी के एक प्रकरण के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। अब प्रदेश में कार्यरत लाखों शिक्षक, बेसिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा के भी सभी शिक्षकों के रिकॉर्ड की जांच हो रही है। कहीं भी किसी तरह की कोई फर्जी नियुक्ति होगी तो वो सारे के सारे लोग बाहर होंगे। नहीं, साफ साफ आदेश है कि जो फर्जी शिक्षक पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होगा, वो जेल भी जाएंगे, रिकवरी भी होगी। इन मामलों की मैंने अभी थोड़े दिनों पहले समीक्षा की है, हर महीने 2 महीने पर इसकी समीक्षा कर रहा हूँ, उस संदर्भ में कार्रवाई होगी। समय से कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच के बाद देखेंगे इस मामले को। अगर कहीं से इस तरह की शिकायत आ रही है कि समय से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस मामले की समीक्षा करेंगे।